हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका। जैसा कि इसके पिछले टाइम पे हमने बहुत सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो कह रहे हैं कि यदि टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी है, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान होगा। और चार ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, और इसमें से एक ऑप्शन हमारा सही होगा, तो सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ओके। और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, मतलब वैल्यू निकालनी है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इन्होंने वैल्यू दे रखा है टेन थीटा में, और यहाँ पे इन्होंने कॉस थीटा में पूछ रखा है, तो इसको हम टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम, अगर इसमें सब में कॉस थीटा से हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो टेन थीटा बन जाएगा और यहाँ कॉस से कॉस नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा काम हो सकता है। तो देखते हैं, लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे के बटे बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां से कॉस कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर, इज इक्वल टू बच जाएगा बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता हमारा टेन थीटा माइनस यहाँ पे ए बच जाएगा केवल, पूरे के बटे बी इंटू टेन थीटा प्लस ए इज इक्वल टू बी इंटू टेन थीटा का वैल्यू रखेंगे, टेन थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है इन्होंने ए बटे बी, तो यहाँ ए बटे बी रख ले देंगे माइनस ए अपॉन बी इंटू ए बटे बी प्लस ए, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे ऊपर दोनों में, इज इक्वल टू ए माइनस ए अपॉन टू ए, यहाँ ए है और ये दोनों मिलकर के टू ए हो जाएगा, इज इक्वल टू ए में से ए आप घटा देंगे तो ये शून्य आ जाएगा अपॉन टू ए। अब जैसा कि आप सबको पता है, अगर ऊपर शून्य है नीचे कुछ भी है तो उसका वैल्यू शून्य होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।